फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ चीजी मसाला पाव। जब भी आपके पास घर में ब्रेड या पाव रखे हों तो आप झटपट से इसे बना सकते हैं। ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। चीजी मसाला पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गार्लिक बटर तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक चम्मच बटर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और एक चम्मच बारीक कटा हुआ गार्लिक। साथ ही इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच पाव भाजी मसाला। अब मैं इसे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लूँगी ताकि बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी। हमारा गार्लिक बटर बनके तैयार हो गया है। अब हम पाव का मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख दी है। उसमें डाला है एक चम्मच तेल और साथ ही उसमें डालूंगी एक चम्मच मक्खन। अब मैं इसमें आधा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। इसमें डाल रही हूँ अदरक गार्लिक का पेस्ट, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आधा कटोरी कटा हुआ प्याज डाल के अच्छी तरह से इसे मिला लूँगी। हमें इसे 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पका लेना है। हमें प्याज को ज़्यादा कुक नहीं करना है। जब हमारा प्याज इस तरह ट्रांसपेरेंट सा दिखने लगे तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च और इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी कटा हुआ टमाटर डालेंगे और उसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से कुक होने देंगे। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढककर 2 मिनट तक पका लेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इसमें आधा नींबू का जूस ऐड करेंगे और थोड़ी सी धनिया पत्ती डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। पाव के लिए हमारा मसाला बनके तैयार हो गया है। अब हम अपने पाव को रेडी कर लेंगे। हमने जो पाव लिए हैं उसे हम चाकू की मदद से बीच में से काट लेंगे। अब हम दोनों पाव को गार्लिक बटर के साथ तवे में अच्छी तरह से सेक लेंगे। तवा गर्म हो गया है, उसमें हम 1 चम्मच अपना गार्लिक बटर डालेंगे। और पाव को इस तरह कटे हुए साइड से रखकर अच्छी तरह से सेक लेंगे। अब हम पाव के दूसरे स्लाइस को भी इसी तरह सेक लेंगे। जब तक हमारा पाव सिक रहा है तब तक हम इसे असेंबल कर लेते हैं। हमने जो मसाला तैयार किया था उसे अच्छी तरह से हम पाव के ऊपर फैला देंगे। अब हम इसके ऊपर चीज स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे और दूसरे स्लाइस को अच्छी तरह से इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा गार्लिक बटर लगाएंगे और थोड़ी चीज को अच्छी तरह इसकी कैविटीज में भी भर देंगे। अब हम इसे बेक कर लेंगे। मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया था और इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए बेक कर लिया है। आप इसे तवे में भी बेक कर सकते हैं। पाव हमारे अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे। ऊपर से डालेंगे थोड़े कटे हुए प्याज, थोड़ी सी कटी हुई हरी और लाल शिमला मिर्च, साथ
साथ ही डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती। ये हमारा चीजी मसाला पाव बनके तैयार हो गया है। अगर हमारे पास ब्रेड और पाव घर में रखे हों और बच्चे को भूख लगी हो तो आप इसे झटपट से बना सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।